अक्सर हमारे लाइफ में इस तरह का सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे हैं, या मेरे पास रहने के लिए घर है, या मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी है, या उसके पास लिखने के लिए कलम है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं मेरे पास लिखने के लिए कलम है, या मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा है, या मेरे पास जाने के लिए बाइक या कार है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे वर्ब, फिर आप लिखेंगे नाउन, उसके बाद आप लिखेंगे इन्फिनिटिव, फिर आप लिखेंगे प्रेपोजिशन। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। यहाँ पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास रहने के लिए घर है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव अ हाउस टू लिव इन। इस सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले मैंने बोला सब्जेक्ट जो है आई, फिर मैंने बोला वर्ब जो है, फिर मैंने बोला एक नाउन जो है अ हाउस, फिर मैंने बोला इन्फिनिटिव जो है टू लीव, फिर मैंने बोला प्रेपोजिशन जो है इन। और यह आपके लिए जानना जरूरी है कि लीव के बाद आने वाला प्रेपोजिशन इन होता है। अगर हम बात दूसरे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव अ चेयर टू सीट ऑन। यहाँ भी सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा वर्ब, फिर मैंने लिखा नाउन जो है चेयर, फिर मैंने लिखा इन्फिनिटिव जो है टू सीट, फिर मैंने लिखा प्रेपोजिशन जो है ऑन। और यहाँ मैं आपको बता दूँ सीट के बाद आने वाला प्रेपोजिशन होता है ऑन। अगर बात हम तीसरे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है उसके पास लिखने के लिए कलम है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज अ पेन टू राइट विद। यहाँ भी सबसे पहले बोला गया सब्जेक्ट, फिर बोला गया वर्ब जो है, फिर बोला गया नाउन, फिर बोला गया इन्फिनिटिव जो है टू राइट, फिर बोला गया प्रेपोजिशन। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव मनी टू स्पेंड ऑन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इस टॉपिक को सीखा कि जब कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ कहते हैं मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा है, मेरे पास लिखने के लिए कलम है, मेरे पास बैठने के लिए कुर्सी है, मेरे पास रहने के लिए घर है, तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे।